आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। जैसा सब जानते हैं कि कांग्रेस ने अपने 60 साल के राज में राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। रक्षा सौदों में घोटाला करना, आतंकवादियों को कड़ा जवाब देने से रोकना, सेना पर सवाल उठाना, देश विरोधी घटनाओं पर मौन रहना, ये सारी बातें ये साबित करती हैं कि कांग्रेस ने हमेशा सेना का अपमान किया है और देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान को जवाब दे दिया कि ये नया भारत है, ये किसी भी सूरत में आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। मोदी सरकार में रक्षा क्षेत्र में भारत ने नए आयाम लिखे हैं। वर्षों से अटके हुए रक्षा खरीद को मोदी जी ने पूरा कर रक्षा क्षेत्र को मजबूत किया, जिससे जवानों का मनोबल बढ़ा है। अंतरिक्ष में मिसाइल द्वारा लाइव सैटेलाइट को 3 मिनट में नष्ट कर हमने अंतरिक्ष महाशक्ति यानी स्पेस पावर के रूप में अपना नाम दर्ज किया है। पिछले 5 साल की तरह इस बार भी आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ हम अपनी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को पूरी निष्ठा के साथ जारी रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा को पहली प्राथमिकता देंगे। तय आपको करना है कि आपको किस पार्टी के लिए मतदान करना है। पिछले 60 सालों से केवल चुनावी लॉलीपॉप देकर जनता को मूर्ख बनाने वाली पार्टी को, या फिर देश को हर छोर पर मजबूत बनाकर नागरिकों के लिए प्रगति के अवसर पैदा करने वाली पार्टी को।